कार्लिनस का 2023 का दूसरा अपडेट आ चुका है, जिसमें कई नई फीचर्स, अपडेट्स और टूल्स को ऐड किया गया है इसको पहले से और बेहतर बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपडेट्स के बारे में कि आपको इस रिलीज के अंदर कौन कौन से अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। कालिनस 2023.2 इस साल का काली का दूसरा अपडेट, और आप जानते ही हैं कि कालिनस अपने हर अपडेट में कुछ ना कुछ नया और काली को और आसान और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह के अपडेट इस बार भी हैं, जैसे कि इसका पहला अपडेट है कि अभी आपको विंडोज़ के हाइपर वी के लिए इसकी प्री विड VMMAs मिल जाएगी, जिसको कि आप सीधे ही प्रयोग में ले पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल पर बताया हुआ है कि आप कालिनस को हाइपर वी पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पर अभी आप इस प्री विड इमेज को हाइपर वी पर इम्पोर्ट कराकर इसका सीधे ही यूज़ कर पाएंगे बिना इंस्टॉल किए, जिससे कि आपकी काफ़ी समय की बचत होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इस इमेज को अपने हाइपर वी पर इम्पोर्ट करा लिया है और ये यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रही है। यदि आपको नहीं पता कि हाइपर वी को कैसे इनेबल करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसका जो दूसरा अपडेट है वो है XFCE DE पर पाइप वायर को लेकर। बेसिकली पाइप वायर एक वेब सर्वर है जो कि लिनक्स पर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग और हार्डवेयर को हैंडल करता है। अब आपको इसका सपोर्ट XFCE DE पर भी मिल जाएगा, जिसमें कि पहले पल्स ऑडियो का यूज़ हुआ करता था, पर अभी इसको पाइप वायर से रिप्लेस कर दिया गया है। NOM DE में ये पहले से यूज़ किया जा रहा था। तो मेरे पास अक्सर क्वेरीज आती रहती थी कि कालिनस के अंदर साउंड वर्क नहीं कर रही, तो अभी शायद ही आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। इस रिलीज़ का जो नेक्स्ट अपडेट है वो है काली डेस्कटॉप i3 गैप्स को लेकर। काली i3 गैप्स या काली i3 बेसिकली ये टाइलिंग विंडो मैनेजर है, जो कि अभी आपको काली की रेपो पर ऑफिशियली मिल जाएगा। अभी आप इसको यहीं से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और एक अलग तरह के डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप यहाँ पर i3 डेस्कटॉप से कन्फ्यूज मत होइएगा, i3 का मतलब ये 3 i हैं जो कि आपको इसके लोगो में दिख रहे हैं। पहले ये प्रोजेक्ट अलग से चलता था, पर अभी इसको ऑफिशियली काली के रेपो पर ऐड कर दिया गया है, जिसको कि आप यहीं से ही यूज़ कर पाएंगे। इसका जो नेक्स्ट अपडेट है वो है DEs को लेकर। अभी इसके डिफ़ॉल्ट XFCE DE में कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि अभी आप फाइल मैनेजर से ही फाइल्स के चेकसम को देख सकते हैं अलग अलग हैश फंक्शन के लिए। अभी आपको इसके लिए अलग से कमांड या टूल को रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन सबको यहीं से ही चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हैश फंक्शन दे रखे हैं, आप इनमें से जिसका भी चेकसम देखना चाहते हैं आप इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए, उसके बाद इसका चेकसम यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, फिर आप इसको यहीं से ही चेक कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। NOM DE में भी अपडेट किए गए हैं। अभी आपको इस रिलीज़ में NOM DE का 44.1 वर्जन मिलेगा, जिसमें कि कई नए फीचर मिलते हैं। जैसे कि देखिए, ये विंडोज़ स्टाइलिंग असिस्टेंट फीचर है, जिसकी मदद से आप विंडोज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अरेंज करके इसका यूज़ कर सकते हैं। आइकन सेट को भी इसमें अपडेट किया गया है। अभी आपको NOM DE के अंदर एप्लीकेशन के अपडेट आइकन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस रिलीज़ से कई बेहतरीन टूल्स को भी काली के रेपो पर ऐड किया गया है। आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी काली की रिपोजिटरी पर कौन कौन से नए टूल ऐड हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ईविल जेनिक्स टूल है, जो कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए यूज़ में होता है। ये भी आपको अभी काली के रेपो पर ही मिल जाएगा। पहले इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, पर अभी आप इसको एक ही कमांड से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है, ये काफ़ी पावरफुल टूल है। आपको काली के रेपो पर अभी GoFish टूल भी मिल जाएगा, ये भी एक पावरफुल फिशिंग टूल किट है, आप इसको भी डायरेक्ट यहीं से ही यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह के कई टूल्स काली के रेपो पर ऐड किए गए हैं, जो कि आपकी पेन टेस्टिंग में और हेल्प करेंगे। तो ये थे इस रिलीज़ के मेजर अपडेट, मैंने आपको इसके मेन मेन अपडेट के बारे में बता दिया है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा अपडेट ज़्यादा सही लगा, जिसको कि आप यूज़ करना चाहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आपका भी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ का कलेक्शन डाला हुआ है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। नमस्कार।